हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कहते हैं लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उसी तरह बस मेरा इस शहर भागलपुर में बस 15 दिन ही है। फिर 15 दिन बाद हम भागलपुर छोड़ कर जाएंगे पटना। पूरा फैमिली शिफ्ट हो रहा है, फैमिली शिफ्ट होगा, पटना में रहेंगे वो लोग और हम भैया के साथ मुंबई निकल जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये पूरा 15 दिन लगातार व्लॉगिंग करें और भागलपुर जो मेरा शहर है, बचपन है जहाँ हम लोग मेरा, तो उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करें और 15 दिन बहुत अच्छे से व्लॉग करें। हम सोच रहे थे कि बहुत दिन से सबको बता दें कि हम जा रहे हैं, लेकिन सोचे कि आज संडे और संडे से अच्छा कोई दिन होता नहीं है, तो संडे से व्लॉगिंग शुरू करें 15 दिन लगातार, 30 या अगला महीना निकल जाएंगे। तो चलते हैं और घूमते हैं। अभी फिलहाल जा रहे हैं तने के पास, क्योंकि आज संडे है, तो बोला कि सुबह सुबह तगड़ा प्लान बना के घूमते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एवरीथिंग। बोलेंगे हमको मिस करोगे ना 15 दिन बाद? बोल रहे तुमको, बोले थे हम क्या जो बोला वो जो सब फील करते, मैं और भी बोलो हम लोगों मिस नहीं करेंगे। तो किसको मिस करोगे? उसको किया था जिसको भुलाया। ए राम गाइस, देखिए वहां पर क्या हो रहा था अभी आपको। क्या मिस करोगे कि नहीं करोगे? मिस हां, 15 दिन बाद जा रहे हैं मुंबई, फिर पटना, फिर मुंबई। क्या करो ना मिस? हजम नहीं हुआ। क्या हजम नहीं हुआ? क्यों? मुंबई जा रहा है भैया के साथ जा रहे हैं। पहले पटना पूरा फैमिली शिफ्ट होगा, फिर मुंबई जाएंगे घूमने के लिए। घूमने नहीं, वहीं रहेंगे फिर पढ़ाई स्टडीज के लिए। स्टडीज तुम पढ़े तो क्रिकेट अभी सोचें कराने का। हाँ बोलो, करो कि जब मेन पॉइंट पे हो ना यार। क्या मिस करेंगे? थोड़ा बहुत मिस उसको किया था भाई जो भूल जाए, जिसको तुम भुला जाते हो, तुम उसको भूल जाए। ओ ओ मोमेंट हो गया ये तो। अरे फोटो शूट करेंगे, तेरा भैया देख लेगा ब्लॉग। हाँ इधर से उतारो, हम लोग यहाँ पे फोटो शूट के लिए यहाँ पे गाड़ी लाए थे, अब उतारेगा यहाँ से। वैसे फोटो बहुत अच्छा आ रहा था, आपको कैमरा एंगल से पता चल जाएगा, ऐसे देखे तो अच्छा फोटो आ रहा था। अब इसको उतारेंगे, उतर भाई। नव्या तुमको तो पता चलेगा हम 15 दिन बाद जा रहे हैं, तुमको मिस करोगे कि नहीं करोगे? बहुत ज़्यादा। क्यों करोगे मिस? वो तो पता नहीं लेकिन बहुत ज्यादा। ये कोई बात नहीं, वो कोई रीजन होना चाहिए ना मिस करने का। रीजन तो बहुत सारा है, ज्यादा मिस करता है। इसको सेंसर करना पड़ेगा। सो गाइस, मेरे तो कुछ ज्यादा कुछ खास दोस्त नहीं है, बस एक ही दो दोस्त हैं, क्योंकि हम सबसे दूरियां बना लिए, क्योंकि सब आजकल तो मतलब के ही होते हैं। तो मेरे बस आजकल तने दोस्त हैं, मयंक दोस्त है, और नव्य और एली इसी के बीच हम रहते हैं। और फिर पटना या मुंबई जाएंगे तो कोलकाता जाएंगे, तो वहाँ नया नया दोस्त बनाना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग दोस्त बनेगा नया कि नहीं। ये जर्नी बहुत ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जर्नी है, ये शुरू होने वाला है एक नया फेज। चलते हैं। तुम मिस करोगे हमको? थोड़ा सा भी नहीं, हल्का सा। बेइज्जती, इतना बेइज्जती क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा तो 1% थोड़ा सा करना। एली और नव्या तो जा रही है घर, और हम लोग को जाना है घूमने के, क्योंकि हमको पूरा हम दोनों को पूरा भागलपुर घूमने जाने से पहले। घूमने नहीं जा रहे हैं, मतलब हम घर जा रहे हैं, घर जाते हुए देखा जाएगा कहीं जाएंगे। हनुमान घाट आपको दिखाते हैं, कितना मस्त है वहाँ पर व्यू। हनुमान घाट पे है भाई, यहाँ मस्त फोटोज आता है। हम लोग चश्मा पहने, इसमें पूरा ब्लू दिख रहा है। अब कैमरा में कैसा दिख रहा है आप लोग बोलिएगा। नज़ारों पर से इतना अच्छा हवा चल रहा है, और हम यहाँ पर आए बस मेमोरीज को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खूब मस्ती किया करते थे हम तने और दोस्तों। इमोशनल डैमेज, अरे मतलब हम लोग घूमते थे ना, आते थे देखने के लिए, आते थे कौन क्या कर रहा है। चलो चलते हैं। गंजेरी स्पॉट होता तो कि अच्छा प्लेस को बहुत ख़राब कर देते हैं लोग यहाँ के, क्योंकि बहुत ही, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं वो लोग गांजा पीते पीते एकदम गांजा का तरह होगा। हम लोग छोड़ दिए हैं ये, हम लोग को अभी ये सब अभी बच्चे हम इसमें गिरते। तने वहाँ पर चला गया, बहुत केयरलेस है, वहाँ पर जाना नहीं चाहिए वहाँ पर बिल्कुल। सो उस टाइम वो वाला घाट घूमने के बाद डायरेक्ट घर आए, तो अभी फिर से शाम और फिर से तैयार होके पूरा एकदम चार है अभी घूमने के लिए, क्योंकि बस 15 दिन है पूरा शहर एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे तो किया हुआ लेकिन फिर से और करना है और मेमोरीज को ताज़ा करना है। ये भी ब्लैक सब ब्लैक पहना है। बस 15 दिन है, इंजॉय कर लो मेरे साथ सब। मेरा भी इसका भी 15, ये अपने घर चले जाएगी एग्जाम देके, और हम अपने घर चले जाएंगे और ये लोग यहीं भागलपुर में रहेगी। वंस अगेन संडे को नागरमल, पिछले बार ये लोग को पाए गए थे 70 रुपीज़ का टी शर्ट लेते हुए,
लेकिन आज ये लोग मॉल आ पाई है। हम नहीं खरीदे। हाँ ये नहीं खरीदी थी, हम बस देखी, हम लोग देखे, कोई खरीदा नहीं था। मॉल आती है बस फोटो लेने के लिए, बड़ा शीशा देखे ना कि फोटो लेना शुरू। और खुशी कही अभी ट्रायल करने के लिए, फिलहाल अच्छे से डिसाइड कर लो। ब्लैक ही अच्छा लगता है मेरे पे, ब्लैक खिलता है। और व्हाइट भी अच्छा, बट एक बार सोचने वाला बात है, ऐसा कुर्ती एक और था लेकिन वो 1300 बता रही है, ये वाला 600 का है। और प्राइस भी हटा रहा था, ये तो बहुत हम लोग नोटिस के लिए, और कोई नोटिस नहीं करेगा तो वो 1300 वाला ले लेता। हाँ हम दोनों ने नोटिस किया। चलो इसका बिलिंग करा लेते हैं, फिर इसका चलते हम लोग खलीफा वक्त कुछ और लेने के लिए। सो यहाँ पे रुके हैं डोसा खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी। तो ये मस्त सा रेस्टोरेंट वहाँ पे दिख रहा होगा, वो खुल चुका है, कल इसका भी ब्लॉग आने वाला है। काफ़ी शानदार रेस्टोरेंट सुनने में आया है, तो कल जाएंगे और इसका कल ब्लॉग आएगा, काफ़ी तगड़ा ब्लॉग आने वाला है। तो कल कल जल्दीबाजी में ब्लॉग एंड करना ही भूल गए, तो यहाँ तक ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। जल्दीबाजी में इन सेंस कि सबको लेट हो तो सब घर जाने के लिए तत्पर करने लगे। और कल का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है, वो नया रेस्टोरेंट खुला वहाँ जाने वाला है। और बस अभी वीडियो देखे एडिट करते हो तो वो मतलब पहाड़ सेव ही नहीं हुआ है। तो यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।